हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, कल रात को रुके थे हम यहीं पे। ये है सूरत से पीछे थोड़ी सी जगह, और एक होटल मिल गया था हमें, अच्छा सा रोड में ही मिल गया था, काफ़ी अच्छा था। उसमें रुक गए थे और इतने थक गए थे कि सो गए। तो अभी सुबह हो गई है, तो अभी हम निकल रहे हैं। और ये था हमारा रूम, अच्छा रूम था, कोई वो नहीं था रहने के लिए, बहुत ही अच्छा था। एसी भी लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, सब कुछ है, गर्म पानी है। और कैसे हम लेट हो गए, जबकि हमें जल्दी निकलना था, बट हम लेट हो गए हैं। हाँ, क्या बढ़िया व्यू है यहाँ से, तो देखते हैं गाइज अब निकलते हैं। आज निकलेंगे हम मुंबई होके, फिर जाएंगे बारामती। हाँ, तो गाइज इस होटल में रुके थे हम, होटल पर्ल रेस्टोरेंट है वेंकटा, बहुत बढ़िया था, खाना भी यही था सब कुछ। यहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी, और ये भी फास्ट फूड का कॉर्नर है, और ये मेन रोड है। और अब हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा मैंने कहा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, यहाँ पे पोहा बन रहा है सुबह सुबह, तो मैंने कहा पोहा पैक कर लेती हूँ और जाते जाते खाती हूँ। गाइस ये मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, गुजरात का पोहा है, इसने तो चॉकलेट खाई एक और बस हो गया। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, अभी बज रहे हैं, ओ 8:15 हो गए, अब तो 8:15 हो गए, तो निकलते हैं। दमन का एरिया स्टार्ट हो जाता है बार बार से, और यहाँ से हमें नासिक से भी भेज रही थी आंटी कि नासिक से होके जाओ पुणे के लिए, पुणे के लिए नासिक यहाँ से नज़दीक पड़ता है पुणे, बट ये नहीं जाना चाहता है, कहता है रोड ऐसी है, पहले भी गया हुआ है यहाँ से। बुलेट वाला हमारे साथ कोई आधे घंटे से चल रहा है आगे पीछे, और देख रहा है अगर हम पीछे रह जाते हैं तो देखता है कि कहाँ चले गए, इतना कंपटीशन कर रहा है, इतना फास्ट चला हुआ, और पीछे वाले ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। दिल्ली की ठंड से तो अब यहाँ पे निजात मिल गई है, ठंड तो क्या दिल्ली में, अब तो बहुत अच्छी ठंड है। ये वाली जो ठंड है, इस महीने वाली ठंड जो है, ये तो एंजॉय करने वाली ठंड है, बट क्या करना, निकल गए, अब गर्मी के मज़े लेंगे हम बहुत। और अभी से हुई सुबह से लेकर स्टार्ट हुई है हमारी, स्वेटरें उतर गई सुबह। हमें 95 पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सादा डाल रहे हैं, सादा बोलते हैं सादा सादा, क्योंकि अब बॉर्डर आने वाला महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में तो और भी महंगा है पेट्रोल। यहाँ पे कितना है पेट्रोल, तो सस्ता है यहाँ पे, 97 है यहाँ पे, तो वो भी सस्ता ही होता, 95 है ना, तो फुल करवा रहे हैं हम। गाइस ये पहुँचे हम महाराष्ट्र बॉर्डर पे, तो देखते हैं, जाम तो लगा हुआ है, गाड़ियाँ रुकी हुई है। यहाँ से 1 घंटे का जाम बता रहा है, और यहाँ से जाता नासिक होके भी, तो अब हम सोच रहे हैं नासिक होके जाएँ या फिर यहाँ से जाएँ। ये देखना, वो लाल लाल पड़ा हुआ है अभी। अच्छा, ये नया रास्ता चूज किया इसने, देखते हैं गाइस कैसा है, बट 1 घंटे का जाम तो यहाँ से छूट जाएगा। एक भी ज्यादा ही हो, पहले था 1 घंटे का, पहले 40 मिनट्स का था। हाँ, हमारे पास तो बस 2 घंटे का, 2 घंटे का, ओ बाप रे। यहाँ भी एक ब्रिज बन रहा है, उसकी वजह से है गाइस, ये है बिल्कुल शहर से ले जा रहा है, महाराष्ट्र का शहर है कोई, क्या नाम लिखा है, लिखा है कहीं पालघर, वो पालघर में पड़ता है, तो पालघर से होके ले जा रहा है मुझे। गाइस बहुत ही सुंदर सा रोड है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ से चलने का, अभी तो नेशनल हाईवे पे नहीं पहुँचे हैं। हाँ, ये गाँव है यहाँ के, महाराष्ट्र के। भैया रोड देखना कितना चकाचक है, और बेशक सिंगल है बट है बहुत ही अच्छा है। अब आगे नेशनल हाईवे पे है ना, ये है गाइस भिवंडी का एरिया पूरा, गाइस कल्याण रह गया साइड में, अब हम निकलेंगे पनवेल में जाके, पनवेल में जाएंगे हम सलमान खान जी के फार्म हाउस में, ठीक है। ये है NH 48, और ये ज्वाइन करेगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे आगे जाके। तो चलिए गाइस सफर स्टार्ट करते हैं अपना मुंबई पुणे, ये जा रही है गाइस मुंबई लोकल, चलो देखने को मिल गई हमें भी, हमने भी इसमें बहुत सफ़र किया हुआ है, वो मुंबई की जान। अभी गाइस हम थाने डिस्ट्रिक्ट में हैं, और अभी पहुंचेंगे हम पनवेल, नवी मुंबई पनवेल। चलो कितनी अच्छी बिल्डिंग बन रही है ना, कलर बहुत सुंदर है।
गाइस, ये देखो मुंबई का जाम, ये देखो मुंबई, मेन मुंबई जो है वो तो बहुत दूर है यहाँ से। फाइनली गाइस एक्सप्रेसवे पकड़ लिया हमने। अब देखो खंडाला की पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं और इस साइड आपके न्यू मुंबई है। लोनावाला 29 और पुणे है 92 किलोमीटर। ये दूसरी टनल है, पहली जो टनल है वो पीछे चली गई, ये सेकेंड टनल है। पूरी पहाड़ियाँ क्रॉस कर देते हैं, छोटी सी टनल है बट। चलो गाइस लंच के लिए तैयारी करते हैं थोड़ी सी। हाँ खाली लंच करते बैठ के। तो गाइस अपना खाना हो गया बढ़िया सा, बहुत अच्छा सा, और अब हम चल रहे हैं। अब जाएंगे पहले पुणे, पुणे से होके निकलेंगे बारामती के लिए। कल भाई की कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है उसके, थोड़ी सी कल से लेके चला रहा है ना गाड़ी, तो बहुत मुश्किल है। अभी चलते, किसकी गाड़ी का कर रहा है? अच्छा वो दूसरा कर रहा है, मैंने सोचा हमारी गाड़ी का हो रहा है। चलो गाइस मिलते हैं आप बारामती में। जीप की जो होर्डिंग लगी हुई है ना गाइस यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको मैं हमेशा देखती रहती हूँ। ये तो अभी तो 2-3 साल से तो हम कंटिन्यू आ रहे हैं, हर साल ही आ रहे हैं हम यहाँ पे। गाइस ये होगी चढ़ाई स्टार्ट, अब घाट स्टार्ट हो गए हैं खंडाला के। पहले खंडाला आएगा, पहाड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, देखना चढ़ाई पे भी कैमरे लगा दिए। ओ वाह अच्छा किया इन्होंने कैमरे लगा दिए गाइस, सब जगह कैमरे लग गए। तेरे जैसे लोग ऐसे चलाते हैं मुझे लगता है ये तो तेरे लिए ही चलाया, ये तेरे लिए ही लगाया बेटा, है ना। बहुत ही अच्छा व्यू है गाइस यहाँ पे ना, बहुत ही मजा आता है। बट आज ट्रैफिक है क्योंकि वीकेंड्स पे ही आते हैं लोग यहाँ पे ज्यादातर घूमने। वीकडेज में तो वैसे खाली ही होता है, बाहर के लोग होते हैं, बट वीकेंड्स पे यहाँ पे मुंबई वगैरह आसपास के सारे लोग आते हैं वीकेंड्स मनाने, क्योंकि नजदीक है यहाँ, मुंबई से बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसी पहाड़ियाँ इन लोगों को यहाँ पे मिल जाए ना, क्या बढ़िया है। बट मॉनसून में जब आओगे ना तो क्या झरने, हर जगह झरने चले हुए हैं ना, मॉनसून में आता है यहाँ पे बहुत मजा। मुझे क्या लग रहा है ना, ज्यादा वीडियो ना बनाऊं मैं ना, बट इतना अच्छा है ना व्यू, इतना अच्छा अच्छा आता है ना, इतनी अच्छी चीजें आती है ना दिखाने को, फिर लगता है मुझे नहीं नहीं दिखाई दो। कहीं से पहुंचे हम खंडाला, और हमारा पॉइंट है वो सामने जो दो बिजली के पोल दिख रहे हैं ना आपको, वो सामने पहाड़ी पे बिल्कुल सामने, मेरी उंगली के सामने ऊपर, वहां जाके हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, सनसेट के भी बनाए हुए हैं हमने, मेरे फेसबुक पे है और मेरे इंस्टा पे भी हैं। मैंने इस पे यूट्यूब में नहीं डाले, अपने अकाउंट में नहीं डाले। देखिए इस पॉइंट पे जाते हैं हम हमेशा, हमारी जान पहचान का है कोई उसका है, तो वहां से सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखिए खंडाला है, ये में गया ये खंडाला लोनावाला के लिए, ये गया आपका एक्सप्रेस वे पुणे के लिए। तो हम नीचे गए नहीं क्योंकि हमने अभी जाना नहीं है खंडाला और लोनावाला, हमने जाना नहीं है, तो सिटी के लिए नीचे से है। तो ये है पुणे एक्सप्रेस वे, पुणे 42 किलोमीटर, और कोल्हापुर भी यहीं से जाते हैं। तो तेरा भी कोल्हापुर वाले रोड में है क्या? देखो गाइस मस्त वाला देखना, ऊपर पैराग्लाइडिंग शुरू हो रही है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग, कितने अच्छे लगे, एक साथ कर रहे हैं सारे, है ना, 1 2 3 4 5 6 लोग। ऐसी 3-4 टनल है यहाँ मुंबई से पुणे के लिए, पूरी पहाड़ियाँ क्रॉस कर जाती हैं ऐसे छोटी छोटी, बट पहाड़ी पूरी क्रॉस कर जाती है ना गाइस। अभी हम पुणे के अंदर घूम रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पे मुझे गणपति जी दिखे हैं, बहुत ही बढ़िया सी मूर्ति, बहुत ही फैंटास्टिक, वाह जय हो भगवान।
भाई दिल्ली को भी मात देता है यहाँ का ट्रैफिक। वैसे रास्ते में जहाँ से भी आए ना इतना ट्रैफिक मिला, यहाँ देखो उस तरफ देखो, बड़ी पीछे से था ये जाम लगा हुआ। हम सोचते हैं दिल्ली में ही ट्रैफिक होता, दिल्ली में अकेले नहीं होता भाई, सब जगह होता है। दिल्ली का ट्रैफिक तो अच्छा ट्रैफिक है। हाँ, बड़ा सुंदर सा गुरुद्वारा है, यहाँ पे पहाड़ी सा एरिया है ना, बहुत बढ़िया एरिया है, ठीक शहर है घूमने। बट वट लगाना है हर चीज में, वट ट्रैफिक तो बढ़ेगी यार, लोग गाड़ियां ले रहे हैं कई सारी। गाइस ये है पुणे मेट्रो, कितना सुंदर है यार। अच्छे बनाए हुए हैं, बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में बनाए हुए हैं। अभी पुणे खत्म नहीं हो रहा है, पिछले 1.5 घंटे से हम पुणे में ही हैं। बहुत लंबा चौड़ा है पुणे भैया, मेन पुणे है ये, बहुत ही सुंदर है। अभी पीछे आर्मी का एरिया था पूरा, बहुत बड़ा एरिया है और बहुत अच्छा था, बट वहाँ वीडियो नहीं बना सकते ना। ये पुणे का एंड हो रहा है, अब पुणे खत्म हो रहा है, आउटसाइड में आ गए हम लोग। अब कौन सा हाईवे मिलेगा? 48 65 चला हुआ है, नहीं 48 पीछे को चला गया, 48 जाता है बैंगलोर को। अच्छा, पीछे से निकलता है वो। ये कहाँ, ये कौन सा आएगा? अब ये आ गया 65, ये जाता है हैदराबाद की तरफ या सोलापुर साइड। चलो गाइस अब तो थोड़ा ही रह गया, गया 1.5 घंटे का है बारामती। आज बहुत लंबा हो गया हमारा रूट, लंबा नहीं था, टाइम ज़्यादा लग गया आज। बढ़िया मॉडिफिकेशन हो रखी है इसकी, क्या तो लाइटें लगाई हुई हैं चारों साइड से है इसकी, अंदर कर्टन वगैरह इतने सुंदर हैं इसके कर्टन भी बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है गाड़ी। भाई जी हम इस रेस्टोरेंट में रखे थे, बहुत ही अच्छा है, थोड़ी देर स्ट्रेच कर रहे थे एक्चुअली। तो गाइस अब हमारा स्टॉप होगा बारामती में जाके, बारामती 1 घंटे का रन है अभी यहाँ से, तो वहाँ पे मिलते हैं आपको। गाइस जो सीधा रोड गया ये सोलापुर के लिए है, और यहाँ से हम मुड़ गए अब राइट जाएगा आपका बारामती के लिए, तो हम चले अब बारामती। ये लो ये है जी, यहाँ से अब बारामती के लिए। ये क्या रोड है भाई, बाप रे देखो भाई, वीआईपी रोड बना रखी है। इतना अच्छा तो हाईवे नहीं था, बाइकों की अलग लेन है, रुकने की अलग लेन है। वाओ यार देखो यार रोड देखो, और ये बारामती जा रही है, 37 किलोमीटर है। यहाँ से घाट शुरू हो गए हैं, शुरू लिखा हुआ, शुरू छोटा सा घाट है ज्यादा। हाँ वाओ यार रोड, यार मेरे को बहुत पसंद आ गया बेटा, हैं ऐसे लगता है इसका बनाते रहो भैया रोड का, तो इतना तो वहाँ का भी नहीं है, खंडाला वगैरह का भी नहीं है इतना अच्छा तो। अच्छा फाइनली हम बारामती में पहुंच गए हैं, और हमने की थी जर्नी स्टार्ट कल की थी हमने, 6 बजे के आसपास करी थी हमने स्टार्ट, और अभी बज रहे हैं 8:30। 8:30 बजे हम बारामती में हैं, और बारामती का रोड तो बहुत ही अच्छा है, जहां से हमने टर्न किया वहां के आगे तो बहुत ही अच्छा था, तो बारामती का तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। ठीक है गाइज मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।